Chapter 13, Surface Areas and Volumes. Exercise 13.3 or question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 is melted. Yani ki ek metallic sphere hai aur isko piglaya gaya hai aur recast into shape of cylinder. Yani ki isko recast karke isko cylinder banaya gaya hai. Jiska radius hai 6 cm aur iska radius hai aapka 4.2 cm. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है. देखिए सबसे पहले हम लेंगे रेडियस पहले का हेमिस्फीयर का और रेडियस का. अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा. यहाँ पर ये बताया गया है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि जो रिकास्टिंग हो रही है उसका वॉल्यूम यानी कि स्फीयर इज कन्वर्टेड टू सिलेंडर लेकिन वॉल्यूम इज सेम, कंटेंट इज सेम. ये यहाँ दिखाया गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 πr³ और यहां पर आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h. दोनों को आप इक्वेट करें और इक्वेट करने के बाद देखें आपका ये हाइट जो है 2.74 आएगी. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. यानी कि हमारे पास स्फीयर्स हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं, उनको हमने पिघलाया और 6, 8 और 10 ये तीन रेडियस हैं और मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. यानी कि तीन छोटे छोटे हमने जोड़े और उनको एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना दिया. वन द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो बड़ा है इसका रेडियस निकालना है, इनके रेडियस मिले हैं तो हम क्या करेंगे, पहले को दूसरे को तीसरे को जोड़ देंगे, तीनों के वॉल्यूम जोड़ देंगे और चौथे के बराबर उसे कर देंगे क्योंकि इन तीनों के मेटालिक को मेटल को या मेटालिक कंटेंट को जोड़ेंगे तभी तो फाइनल मिलेगा. वो यहां पर किया गया है ये 4/3 πr³. ये इसलिए लिया गया है क्योंकि तीनों में 4/3 πr³ 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 4/3 πr³ आएगा तो 4/3 यहां पर हमने कॉमन ले लिया है क्योंकि यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. रिजल्टिंग स्फीयर जो है वो 4/3 πr³. इस 4/3 πr³ में ये रिजल्टिंग जो फाइनल है उसका आपका वॉल्यूम है तो 4/3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी आपको r मिलेगा. ये r³ 1728 है, इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे, r आपको 12 मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. अ 20 मीटर डीप वेल. ये 20 मीटर का वेल है यानी कुआं है. इसका डायमीटर 7 है यानी कि रेडियस 7/2 करके हम ले लेंगे. इज डग एंड यानी खोदा गया एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू प्लेटफॉर्म ऑफ दिस एंड दिस. यानी कि यहां से मिट्टी निकाली गई और एक प्लेटफॉर्म जो कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है और ये रेक्टेंगल है वो कितना है आपका 22/14, ये 14 है. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का हमको हाइट निकालनी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इस तरीके से हम कुछ इसका वॉल्यूम लेने की कोशिश करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे. देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म ये, हाइट हमें पता नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे. लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास इसकी वॉल्यूम हमें पता है कैसे निकालते हैं, πr²h करके निकालते हैं और इस πr²h में इक्वेट करेंगे एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इंटू हाइट यानी एल इंटू बी इंटू एच और फिर यहां से पाई पाई कैंसिल करके हम एच को 2.5 निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में है. वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. यानी कि एक वेल है, अगेन यहां पर उसी की बात हो रही है यानी कि कुआं है और इसका जो डायमीटर है वो 3 है जो यहां पर दर्शाया गया है इस तरीके से. ये 3 मीटर है, 14 मीटर डीप है. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. अब यहां से जो सेम चीज पिछले क्वेश्चन की तरह है कि यहां से मिट्टी निकाली गई और एक इस तरीके से आपके एक राउंड इसमें यहां पर सर्कुलर रिंग में डाल दिया गया जिसका विड्थ आपको 4 मिला है. दिस विड्थ इज 4 टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. देखिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है. ये यहां से मिट्टी निकाली गई और इसके बगल में यहां पर एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है यानी कि चबूतरा कह सकते हैं, गोल गोल चबूतरा कह सकते हैं.
इस एम्बैगमेंट की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर, और अच्छा इसकी हमको 3 दी हुई है, तो हम इस पर्टिकुलर सर्कुलर का पहले रेडियस निकालेंगे, और हमारे पास ये जैसे 14 मिला हुआ है, इसकी हाइट हम मान लेंगे। बेसिकली ये सर्कुलर जैसे ही है, लेकिन ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर, दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे। अब डेप्थ 14 है, रेडियस ये है, विड्थ ऑफ एम्बैगमेंट 4 है। अब देखिए ये क्या किया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इसका पूरे का डायमीटर है, यानी कि 3/2 इसका रेडियस हो गया। इस पूरे का क्या रेडियस होगा, ये 4 + 3/2, ये इतना इतना होगा रेडियस इसका, यहां से देखिए इस पॉइंट से यहां तक ये होगा रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये हमारा मिलेगा यहां से, देखिए वही हमने यहां किया है, 4 + 3/2 दैट इज 11/2। तो पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग, अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस पूरे का वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, ये इतनी एरिया का, इस एरिया का भी तो वॉल्यूम माइनस होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या है हमारे पास, ये भी एक सिलेंडर बन रहा है, इसका हमारे पास रेडियस है ये, और हाइट हमको निकालनी हो यहां पर हम लिख देंगे, देखिए पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू एच टू, ये यानी कि एच पता नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पूरे जहां से मिट्टी निकाली गई है वो ये, और यहां पर हम देखेंगे एच इक्वल टू 9/8 जो कि 1.125 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अ कंटेनर शेप लाइक, इसका अगर हम आगे बढ़े क्योंकि इसका डायग्राम हम बना के देख लेते हैं पहले, कंटेनर शेप लाइक अ सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, हैविंग डायमीटर 12, ये पूरा 12 है यहां से यहां तक, 6 इसका रेडियस हो जाएगा, हाइट इसकी 15 है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम है, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट दिस एंड दिस, यानी कि इस आइसक्रीम को निकालना है और कोन में डालना है, इसमें डालना है, और दो कोन है आपके, एक है आपका, एक का हाइट आपका इनटू कोन्स हाइट 12 और डायमीटर 6, ये आपके हाइट है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी कि इसके ऊपर हेमिस्फेयर भी है, हेमिस्फेयर भी है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। देखिए पहले वाले के लिए तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसका कारण यह है कि हमें उसके सब डायमीटर हाइट दिया हुआ है, तो सीधा यहां पर तो हमको पाई आर स्क्वायर एच से इक्वेट करना है, लेकिन आगे की चीज जो है वो थोड़ी सी हम देख लें, क्या है कि हमारे पास एक कोन है, अभी छोटे छोटे कोन है, आइसक्रीम निकाल के यहां डालनी है, तो कितने होंगे, एन इंटू कर लेते हैं, एन इंटू दिस नंबर ऑफ कोन्स, अब इस कोन के जो आपकी हाइट है वो आपकी 12 दी है, इसका डायमीटर जो है 6 यानी कि रेडियस 3, और इसके ऊपर अब हेमिस्फेयर भी है, तो हेमिस्फेयर प्लस कोन इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने कोन बनेंगे उसको हम इक्वेट करेंगे किससे, जो हमारे सिलेंडर से बने हैं, सिलेंडर के से कोन की चीज यहां पर गई है, आइसक्रीम गई है वो यहां पर क्या हुआ है, देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दैट इज दिस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू, अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी आप जानते हैं वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों में वैल्यू रखिए और यहां पर एन निकालिए, एन आपका 10 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ दिस, यानी हमारे पास सिल्वर कॉइन है, अब सिल्वर कॉइन कुछ इस तरीके से होता है, देखिए इसका हमको डायमीटर दिया हुआ है, इसका हमें थिकनेस दिया हुआ है, मस्ट बी मेल्टेड, और इसका डायमेंशन क्या होगा, 5.5 × 10 × 3.5, यानी कि हाइट रेडियस ये सब दिया हुआ है, इससे सीधा हम पाई आर स्क्वायर एच कर लें, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कितने होंगे, तो एन इंटू कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन का वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, फाइनली तो क्यूबॉइड बनाएगा,
और यहाँ पर क्या गया n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और सबकी जो वैल्यूज दी रखी है वो यहाँ पर आप रखिए और आपको ये 400 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है सिलेंडर बकेट, ये बकेट है एक बाल्टी है 32 इसकी हाइट है, रेडियस इसका 18 है, यानी कि हमारे पास ये डायमीटर है, बेसिकली डायमीटर 18 है, रेडियस हमको 9 मिल रहा है, इस फिल्ड विद सैंड, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ये इस बकेट को हमने खाली किया और ये कोन बन गया, कोनिकल हीप, जैसे अगर आप सैंड को या रेत को डंपर को डालते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे वो क्या बन रहा है, आपका एक कोन का शेप ले रहा है। तो हमको इस कोन की रेडियस और स्लैंट हाइट ही हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, इसका वॉल्यूम देखिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसका वॉल्यूम भी इस तरीके से निकलेगा, सारी वैल्यूज भी इसकी दी हुई हैं, बस एक हमको आर निकालना है, वो इक्वेट कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच इंटू इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस तरीके से हम रेडियस निकालेंगे। लेकिन अब अल्टीमेटली हमको हाइट पूछी गई है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि हम जब ये निकाल लेंगे तो स्लैंट हाइट क्या, स्लैंट हाइट क्या आएगी, ये दिस विल बी इक्वल टू ये प्लस ये, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं, वाटर इन कैनाल, वाटर जो है कैनाल, कैनाल नहर होती है, 6 मीटर वाइड है, ये 6 मीटर विड्थ इसकी दी हुई है, 1.5 मीटर डीप है और स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, यानी पानी कितनी सिंचाई कितना करेगी, ये 30 मिनट में, 30 मिनट में, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, 8 सेंटीमीटर का हमें पानी चाहिए होता है। देखिए हमारे पास पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, पहले इस 30 मिनट को हम सेकंड आवर में मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को निकालने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, एक डिस्टेंस को पहले ये मीटर या सेंटीमीटर किसी में चेंज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे। देखिए किस तरीके से हुआ ये, जैसे मैंने बताया कि एरिया जो है इसका, अभी इस एरिया पे ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि बेसिकली एल इंटू बी इंटू एच ही होना है, लेकिन फिर भी हम पहले कुछ कंप्यूटेशन करके रख लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ भाई तीसरी चीज़ क्या मिलनी है हमें। तो 6 × 1.5 ये 6 इसकी चौड़ाई है, ये इसकी गहराई है 1.5, इससे हमने एरिया तो निकाल लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ वाटर क्या है, जो 10 किलोमीटर पर आवर है, अब 10 किलोमीटर पर आवर का उन यूनिट्स में चेंज करना है जिन यूनिट से आपको इस यूनिट को जिस पे आपकी वैल्यूज मीटर स्क्वायर में दी हुई है इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, 10 के बाद आप 1000 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 60 मीटर बाय मिनट। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मीटर फ्रॉम कैनाल, ये कितना है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उस हिसाब से 9 × दिस ये आ गया। और 30 मीटर में कितना करेंगे, 30 × 1500, 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में इतना, तो कुल जो पानी जाएगा वो इतना जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको यहां से बताऊं, एरिया आपका 9 है, इस पूरे एरिया में कितना पानी जाएगा 1 मिनट में, 9 × दिस 1 मिनट में, और 30 मिनट में इसी एरिया पे पानी कितना जाएगा, 30 × दिस, तो आपका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो 30 मिनट में इतना होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अब मैंने जैसे बताया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम तो ये है बस यही है, और वॉल्यूम ऑफ एरिया इन 30 मिनट्स वो 30 मीटर यहाँ पर है, तो a × 8 क्यों किया, एरिया इंटू 8 दैट इज l इंटू b इंटू एच, इसके लिए आपने एरिया लिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया आपने निकाला और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर वो एल इंटू बी इंटू एच वाला केस नहीं लग पाएगा, आपने एरिया निकाला, इस एरिया के हिसाब से आपने जो आपको टाइम और ये दिया हुआ है उसके हिसाब से आपने ये बता दिया कि भाई पानी कितना होगा, उस पानी को इक्वेट किससे किया, ए
जो आपका एरिया इंटू आठ, 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर दिया, यही आपका एरिया है। 30 मीटर में, मिनट में इतना एरिया आपका सिंचाई हो जाएगी उसकी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर दिस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक फार्मर है, वो कनेक्ट करती है अपने पाइप को, उसका इंटरनल डायमीटर यहां पर आपको दिया हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि कोई यूनिट तो गड़बड़ नहीं हो रही है, 20 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, सारे के सारे मीटर मीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप मीटर में चेंज कर दिए, तो इसीलिए ये 0.2 दिख रहा है आपको। 0.2 मीटर इसका इंटरनल डायमीटर होगा, 0.1 इसका रेडियस हो जाएगा। अब टैंक इन हर फील्ड फॉर अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, एक सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें डाल देती है। अब सिलिंड्रिकल टैंक जो है वो 10 मीटर डायमीटर है उसका, 2 मीटर डीप है, यानी कि 5 मीटर उसका रेडियस हो गया, 2 में सिलेंडर का आपको सारा वैल्यूज मिल गई। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो पाइप है उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी फिल्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेडियस दिया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 20 बाय 100 कर लीजिए पहले, वो आपका डायमीटर हो जाएगा, दैट इज 0.2, और रेडियस निकलेगा 0.2 बाय 2, दैट इज 0.1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, देखिए ये आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू दिस आर स्क्वायर। और स्पीड ऑफ वाटर क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले आप मीटर प्लस मिनट बाय मिनट में चेंज करिए। उसका कारण ये है कि एक तो हमको टाइम हम मिनट में बता देंगे, और दूसरा किलोमीटर यहां तो है ही नहीं, मीटर है सारे दिख रहे हैं, तो मीटर में चेंज करिए। तो 50 मीटर प्लस मिनट 3 किलोमीटर प्रति घंटा को ही चेंज किया, अभी ये चेंज, ये इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया, केवल इसको मीटर प्लस मिनट में चेंज किया। अब बात आती है कि आपके यहां पर क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक मिनट में कितना करेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 50 इसका स्पीड ऑफ वाटर है, 50 करेगा, और किसी टी टाइम में कितना करेगा, टी इंटू 0.5। यानी कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, देखिए बेसिकली ये एरिया होता है, और ये इतनी हम चाहते हैं कि इस एरिया को उस टाइम से मल्टीप्लाई करें, और जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह को, 50 मीटर प्लस बाय मिनट इनटू दिस, देखिए 50 मीटर बाय मिनट है ना ये मिनट, तो इसको जब मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी काम बनेगा, इसीलिए हमने यहां पर एक मिनट में बताया कि इतना, और टी मिनट में हमारा इतना। अब हमको ये कैसे निकालना है, देखिए क्योंकि अब इस पे बातें हैं, रेडियस ऑफ टैंक कितना है, 10 बाय 2, जैसे मैंने बताया था 5 है, डेप्थ इसकी 2 है, हम मानते हैं कि चलो टी टाइम में फिल होगा ये, तो अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पानी वहां से आ रहा है और जो वॉल्यूम टैंक का भर रहा है पानी का, वो दोनों इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू टी इंटू 0.5 पाई। टी इंटू 0.5 पाई, ये पर्टिकुलर चीज हमारी टी मिनट में आ जाएगी, और यहां पर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा टी इक्वल टू 100 आ जाएगा, जो हमने माना था, तो ये आपके 100 मिनट में सारा काम हो जाएगा।